चुनाव से पहले नेता दल बदल करते हैं, लेकिन राजस्थान में ये दल बदल वन वे ट्रैफिक की तरह है। अभी बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या ज्यादा है, कांग्रेस में बिल्कुल सन्नाटा है, शांति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसीलिए वहां कोई जाना नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पार्टी अभी टिकट बांटने पर ध्यान दे रही है, जल्द ही कांग्रेस में भी नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू होगा। देखिए जयपुर से मनीष गोधा की ये रिपोर्ट। बीजेपी के इस पोस्टर को देखिए, बीजेपी बाकायदा राजस्थान में सदस्यता अभियान चला रही है, ये भी बता रही है कि अब तक कितने जिले सदस्यता अभियान में अव्वल है। दरअसल बीजेपी ने अपने दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए, अब तक 50 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसमें कांग्रेस के नेता भी हैं तो पूर्व IAS और IPS ऑफिसर भी। राजनीतिक क्षेत्र के कई पार्टियों के, जिसमें CPM भी है, BSP भी है, कांग्रेस भी है और बाकी अन्य, चाहे कोई विभिन्न प्रकार के SC के, OBC के, विभिन्न समाजों के प्रमुख नेता भी लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज भी 16 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन की है और इसमें IAS भी हैं, IPS भी हैं और विभिन्न रेगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बैरवा समाज के लोग हैं, गुजर समाज के लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं और इनमें कई तो वरिष्ठ IAS और IPS भी रहे, ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया है। बीजेपी नए लोगों को तो ले ही रही है, मगर क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देगी? सभी लोग बिना शर्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सबको हमने स्पष्ट कर दिया है कि टिकट की कोई शर्त नहीं है। आप भी अन्य कार्यकर्ताओं की तरह आवेदन दे सकते हो और नेतृत्व जिसको भी टिकट दे, सबको उसको जिताने में सहभागी बनना है, ऐसा सबने लगभग संकल्प वादा किया है। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में फिलहाल ऐसी कोई गतिविधि नहीं, लेकिन नेताओं का कहना है कि कई लोग शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं जिनके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के अंदर अलग अलग विधानसभाओं, जिलों पे और प्रदेश के लेवल पे कुछ लोग जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनको कब पार्टी की सदस्यता दिलानी है, क्या वो पार्टी की विचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ में काम करेंगे, तमाम पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान की सियासत का जो ट्रेंड है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ, हर 5 साल में जनता सरकार बदल देती और शायद यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या कांग्रेस के बनिस्बत ज्यादा है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि 5 साल सरकार बदलने वाला ट्रेंड इस बार भी कायम रहने वाला है, लेकिन कांग्रेस इस बार इस ट्रेंड को बदलने की पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई। ट्रेंड बदलने की चाबी तो राजस्थान के जनता के हाथ में ही है।